बीते 23 जुलाई को इस्री बाजार के अर्गा घाट एवं स्टेशन रोड के पास एक 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन तार टूटकर 440 वोल्ट की तार पर गिर जाने से शॉर्ट सर्किट होने पर दर्जनों घर और दुकान में लगे विद्युत उपकरण जल गए। उपभोक्ताओं को हुए नुकसान की भरपाई स्वयं करनी पड़ रही है। रविवार को भाजपा नेता व पूर्व जीप सदस्य प्रशांत जायसवाल ने पीड़ित लोगों से मुलाकात कर नुकसान की जानकारी ली। उन्होंने विभाग की लापरवाही पर बरसते हुए कहा कि बिजली विभाग की लापरवाही से लोगों का नुकसान हुआ है, बावजूद इसके विभागीय अधिकारी अब तक कोई सुध नहीं लिए हैं। कहा कि कईयों के घरों के बिजली मीटर तक जल गए हैं, जिसको लेकर भी विभाग कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। 11,000 का तार सप्लाई लाइन के तार में गिर जाने से पूरा हमारे घर में भी जो है 11,000 का करंट प्रभावित हो गया, इससे इलेक्ट्रॉनिक आइटम को नुकसान हुआ।